तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी चीज, जो मैं मिस्टर इंडिया, मिस्टर डीसी इंडिया का जो मैं विनर बना हूँ, तो जो कि शो देहरादून में हुआ था, शो के जो जिसने कराया था मिस्टर सूफी साबरी थे और डायरेक्टर थे मिस्टर प्रणय दीक्षित। और इस ये शो जो हुआ था 25 गर्ल्स और 25 बॉयज थे और ये ऑल ओवर इंडिया से लिया गया था, अलग अलग स्टेट से, जो कि इसका देहरादून में शो कराया गया फिनाले। इस फिनाले के लिए वो लोग ने पहले टैलेंट राउंड लिया, फिर उसके बाद वॉक कराया ड्रैम पे और सब चीज़ों के बाद ही उन्होंने अपना निर्णय लिया और वहाँ पे मुझे मिस्टर डीसी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और साथ साथ विनर भी बनाया गया। तो सर आपके अपोजिट में कितने पार्टिसिपेंट थे? मेरे अपोजिट में मुझे मिलाकर 25 थे और मेरे अपोजिट में 24। तो जब आपको विनर घोषित किया गया तो किस तरह की फीलिंग आपको लगी थी, किस तरह की खुशी आपको महसूस हुई? जब मैं मुझे विनर के लिए जब मेरे कंटेस्टेंट का नाम लिया, नंबर लिया गया, तो मुझे एक अलग सी खुशी थी। ऐसा एक लग रहा था कि मैं एक अलग दुनिया में जा चुका हूँ। और पहले किस प्रकार का अनुभव आपको लग रहा था? इससे पहले अनुभव बोले तो एक डर लग रहा था अंदर से कि क्या होगा रिजल्ट, तो एक पसीने छूट रहे थे वहां पर कि फाइनली, क्योंकि फर्स्ट रनर अप तक उन लोगों ने डिसीजन ले लिया था और फाइनल जब वो देने वाले थे डिसीजन विनर्स का, तो तब कुछ अलग ही अनुभव था। वो पल बहुत ज्यादा ही अलग था मेरे लिए। तो अभी तक आपने कितने कंपटीशन में भाग लिया? मेरा ये फोर्थ कंपटीशन था। इससे पहले मैं मिस्टर विदर्भा किंग बन चुका 2019 और साथ ही साथ मैं मिस्टर स्टाफ एम इंडिया भी बन चुका हूँ। इससे पहले उसमें साथ साथ मुझे दो सब टाइटल्स भी मिले थे, मिस्टर स्टाफ एम ऑफ इंडिया में और मिस्टर बॉलीवुड एंड मिस्टर पॉपुलर फेस ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये मैंने टाइटल लिया हुआ है और मिस्टर महाराष्ट्र भी मैंने जीता है। मिस्टर महाराष्ट्र ग्लोबल वाला हुआ था तो उसमें मैंने मिस्टर महाराष्ट्र भी जीता था और साथ साथ बेस्ट वॉक का अवार्ड भी लिया था। और ये मेरा फोर्थ शो है जिसमें मैं स्टाफ एम डीसी इंडिया का मैं विनर बना हूँ और साथ साथ ब्रांड एम्बेसिडर भी बना हूँ। और उसी के साथ साथ दो सब टाइटल्स भी मुझे मिले हैं, एक फैशन आइकॉन और सेकंड मिस्टर महाराष्ट्र। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था और मैं इस अनुभव के लिए पूरा श्रेय जाता है मिस्टर सूफी साबरी सर को, जो इस शो के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर प्रणय दीक्षित सर, उनको भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, अपने स्टेट से बाहर जाके सब चीज़ें करनी पड़ी तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो कैसा लगा आपको, ये लगा कि इतने सारे पार्टिसिपेंट हुए हैं, अगर कहीं ना कहीं झिझक महसूस हुई? बिल्कुल झिझक महसूस हुई क्योंकि हर किसी का अंदाज अलग अलग था, हर किसी का टैलेंट अलग अलग था, हर कोई अपने अपने स्टेट से अपना अपना हुनर लेके आए थे वहाँ पे, तो झिझक महसूस हुई बट साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा ही करके आएंगे। और महाराष्ट्र से जितने भी हम गए थे हम बहुत अच्छा करके आए, महाराष्ट्र का नाम तीनों दिन वहाँ हर एक न्यूज़पेपर में आता रहा, देहरादून के नॉर्थ साइड के हर एक न्यूज़ चैनल में आता रहा। इसमें पूरा पूरा सपोर्ट था सूफी साबरी सर का, हम सबको बहुत बहुत सपोर्ट था उनका। तो इतने पार्टिसिपेंट में आपको कोई ऐसा लगा है कि हाँ ये हमको टक्कर दे सकता है? टक्कर देने के लिए तो हर कोई काबिल था, हर कोई अपने लेवल पे बेस्ट था, लेकिन हमने भी हमारा बेस्ट दिया और हम उससे आगे निकल के आए। अभी तक आपने भी कहाँ कहाँ और कौन से कॉन्टेस्ट में भाग लिया? सर मैंने अभी तक मिस महाराष्ट्र का खिताब जीता था 2019 में, मैं फर्स्ट रनर अप रही थी उसकी, जो कि ग्लोबल इवेंट मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद ये मेरा सेकेंड शो था जिसमें मैंने मिस नागपुर डीसी इंडिया 2020 का खिताब जीता है। बहुत मुश्किल माना जाता है बट साथ ही साथ उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो मैंने इसकी शुरुआत अपने ही स्टेट से नागपुर से ही की थी, जो कि कंपटीशन था मिस महाराष्ट्र का, तो उसमें मैंने फर्स्ट रनर अप का टाइटल जीता था, ग्लोबल इवेंट मैनेजमेंट ने वो ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद ये मुझे सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी मिस्टर सूफी साबरी ने और इसमें मैंने मिस नागपुर डीसी इंडिया 2020 का खिताब जीता है। बिल्कुल आना चाहिए, इसमें मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। आप नहीं सोच सकते आप क्या मुकाम तक पहुंच सकते हो, आप खुद को नहीं जानते हो। जब आप स्टेज पे वॉक करते हो, हजारों लोग आपको देखते हैं, तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों के सामने खुद के हुनर को पेश करने का। तो मैं चाहूंगी कि हर कोई
इसके लिए आगे बढ़े या खुद के हुनर को पहचाने और इसमें जरूर कभी ना कभी खुद को परखने की कोशिश करें। आप क्या बोलना चाहेंगे सर, आपने अपना करियर का शुरुआत कहाँ से की और किस तरह की? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, जो कि कभी मुझे 1 ईयर हुआ है मॉडलिंग का करियर शुरू करके। मैं इससे पहले मैं इंडस्ट्री में मैं रह चुका हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में थिएटर आर्टिस्ट हूँ और साथ साथ कुछ सीरियल्स भी मैंने की हुई है साथ साथ। और अभी जो मैंने मॉडलिंग करियर जो शुरू की वो मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए शुरू किया था, बिकॉज मुझे मैं जब भी ऑडिशन वगैरह के लिए जाता था मुझे पूछते थे कि कभी आपने मॉडलिंग किया है, कभी आपने कैमरा फेस किया है। सो मैंने उस वजह से मैंने मॉडलिंग करियर शुरू करने की कोशिश डिसीजंस लिया। और मुझे मैंने जब शुरुआत की थी तब तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मिस ग्लोबल इवेंट महाराष्ट्र का मैंने ये दिया था ऑडिशन, देन उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। देन उसके बाद कंटिन्यूस में मैंने मिस्टर विदर्भा का भी मैंने मिस्टर विदर्भा किंग का मैंने ऑडिशन दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और मैं मिस्टर विदर्भा किंग रह चुका 2019 में। फिर उसके बाद मिस्टर महाराष्ट्र रह चुका 2019 में और साथ साथ मुझे उसके बाद सब टाइटल्स भी मिले थे, मिस्टर बेस्ट वॉक का अवार्ड मिला था और उसका मिस्टर स्टाफ एम ऑफ इंडिया फर्स्ट रनर अप रह चुका हूँ, उसमें भी 2 सब टाइटल्स मिले हैं, जिसमें मिस्टर बॉलीवुड एंड मिस्टर पॉपुलर फेस ऑफ इंडिया। और उसका भी मेरा 4th शो था जिसमें मैं विनर रहा हूँ मिस्टर डीसी इंडिया, और साथ ही साथ मुझे इसमें भी 2 सब टाइटल्स मिले हैं, मिस्टर फैशन आइकॉन और मिस्टर महाराष्ट्र का। तो जहाँ इतने सारे इवेंट्स में आप जाते हैं तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है, किस तरह की आप तैयारी करते हैं, किस तरह से आप रहते हैं, क्या क्या मेंटेन करते हैं, जरा उसके बारे में भी बता दें। जैसे कि मैंने अपने आप को ये शो के लिए ऑलमोस्ट लॉकडाउन से लगा था तब से मैंने सोचा ही था कि मुझे ये शो एनी हाउ जीतना है। तो मैंने इस शो के लिए लास्ट 6 मंथ से मैंने तैयारी की थी, लाइक जिमिंग डाइट वगैरह, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहता है। तो मैंने मेंटली प्रिपेयर किया, जैसे उनके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, डेली न्यूज देखना, अवेयरनेस देखना, तो वो सब चीज़ें मैंने किया, उस पर मेहनत किया। और आपका 6 मंथ मैं ये शो जब मैं गया तब मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, अदर देन जिससे पहले जो शोज किए थे उससे मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, बिकॉज मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। सर, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई आइडल रहता है और ज्यादातर देखा जाए तो परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, तो क्या ऐसा कुछ दिक्कत आपके लाइफ में आई? मेरे लाइफ में तो ऐसी दिक्कतें तो नहीं आई, बिकॉज मेरे फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, साथ साथ मेरे मॉम डैड और मेरे सिस्टर मुझे इस चीज के सपोर्ट करते हैं, आगे जाने के लिए सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत मेरे लाइफ में आई नहीं है फिलहाल अभी तक। आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल तो मैं खुद ही हूँ। आने वाले जो नस्ल और नौजवान आने वाले हैं जो आपके लिए देख के आपको जो है कॉपी करेंगे, मॉडलिंग में जाएंगे, उनके लिए बेनिफिट्स बताइए कि क्या? मॉडलिंग में आना, जैसा कि लोगों की सोच बन गई है मॉडलिंग में आने के लिए पैसे चाहिए या फिर अच्छी फिजिक्स चाहिए, नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि मॉडलिंग में आने के लिए एक नॉलेज चाहिए, एक अच्छा दिखना इट डजंट मैटर, उस मॉडलिंग में आने के लिए उस चीज़ का नॉलेज चाहिए, तुम्हारा वर्क्स अच्छी होनी चाहिए, उस चीज के लिए आप अपने आप पे वर्क करो तो बेस्ट होता है। जैसे कि लोगों की थिंकिंग बन गई है कि हमको पैसे से ही आजकल सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से सब कुछ हो जाता है, नहीं, अब उसके अंदर एक जज्बा एक हुनर भी होना चाहिए। आप जब इस फील्ड में आए तो हम कई बार देखते हैं कि जैसे मिस्टर इंडिया होती है या मिस इंडिया होती है या मिसेज इंडिया होती है, तो उनसे एक खास सवाल पूछा जाता है जो फाइनल डिसीजन में बहुत काम आता है, तो वो किस तरह के सवाल होते हैं और आप किस तरह से उसको गेस करके जवाब ये करेक्ट करना है? जैसा उसके लिए मैंने अभी कहा है, जैसे उसके लिए नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, डेली अवेयरनेस आप देखो कि क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जाता है वहाँ, लाइक फैशन से अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है या डेली अवेयरनेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसा मुझे पूछा गया था कि हू इज योर रोल मॉडल और तुम्हारे 3 सुपर मॉडल्स के नाम बताइए और वो क्यों है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर दिया था मिलिंद सोमन, रोहित खंडेलवाल और अर्जुन रामपाल, जो सुपर मॉडल्स हैं, और मिलिंद सोमन इज इंडियन सुपर मॉडल्स, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप में हार्डवर्क किया, तो वो सब चीजें मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो इसके लिए मैंने उनके मतलब उनको अपना आइडल मान लिया। और आजकल के जनरेशन में मिलिंद सोमन एक फैशन आइकॉन है, तो उसके लिए मैंने उस जवाब दिया था। वहाँ पे हर एक सवाल से वो जज करते हैं कंटेस्टेंट को कि उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता की भी जांच की जाती है, तो इसी बिना पे उन्होंने मुझे खूबसूरती से लेते हुए एक सवाल पूछा था कि आपके लिए खूबसूरती क्या है, क्या मायने रखती है, तो मेरे लिए उसका जवाब ये था कि अगर कोई इंसान फीलिंग्स कैरी करता है, कोई इंसान किसी के फीलिंग्स की कदर करता है, उसके जज्बे की कदर करता है, इट मीन्स कि वो उसकी ब्यूटी को पहचानता है, उसकी खूबसूरती को आगे बढ़ाता है, उसकी जज्बे को पहचानता है,
तो मेरे लिए असली ब्यूटी किसी की फीलिंग्स को जानना, उसके जज्बे को पहचानना है। तो हमारे नागपुर में जो है इसका कितनी अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में जाने के लिए नए लोगों को? नए लोगों को बिल्कुल आगे जाना चाहिए, क्योंकि नागपुर एक ऐसी सिटी है जो सेंटर ऑफ इंडिया है। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, आपको हर एक लैंग्वेज का नॉलेज है, आपको पूरे देश भर की जानकारी सेंटर में अवेलेबल है। तो आपने उस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास मुंबई जैसी सिटी बहुत पास में है, बहुत करीब में है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर सकते हो। आप नागपुर सिटी को महाराष्ट्र को बहुत आगे तक ले जा सकते हो, बस उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। एक बार आप अगर शुरुआत करते हो तो आपकी खुद की रुकने की इच्छा नहीं होगी कभी। श्यामल तत्काल न्यूज मध्ये तुझं स्वागत आहे। थँक यू। मला विचारायचं आहे तुला की हा कॉम्पिटिशन करताना जे तुझे कॉम्पिटिटर्स होते ते कसे होते? ते म्हणजे कॉम्पिटिशनच्या बद्दल तर सांगायला तसं खूप काही आहे, कारण की कॉम्पिटिशन ऑल ओव्हर इंडिया लेवलचं होतं। तर त्याचप्रमाणे देहरादून, छत्तीसगड, झारखंड, चंद्रपूर, नेपाळ बॉर्डर सगळीकडनं कंटेस्टंट्स आले होते, तमिळनाडू, बंगळूर। तर प्रत्येक जणामध्ये आपला एक टॅलेंट होता, आणि सुफी साबरी सर आणि तनय दीक्षित सरांनी खूप मोठ्या लेवलवर हे कॉम्पिटिशन अरेंज केलं होतं। सगळ्यांमध्ये आपापलं टॅलेंट होतं, हुनर होतं, आणि सगळ्यांमध्ये कॉन्फिडन्स होता जिंकायचा। तर खूप टफ कॉम्पिटिशन होतं, पण त्या टफ कॉम्पिटिशनला बीट करून आम्ही महाराष्ट्राचं नाव नॉर्थ साईडला पुण्यात घेऊन आलो आहे। श्यामल, और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल के नवयुवा, जैसे कि आपके एज की लड़कियाँ हैं, जिनसे तो बहुत इच्छा होती है सबकी कि इस कॉम्पिटिशन में उतरे, लेकिन बहुत सारी झिझक होती है, उन लोगों के लिए खासकर लड़कियों के लिए आपका मैसेज देना चाहते हो? लड़कियाँ बहुत ज़्यादा झिझकती है कि घर वाले नहीं मानेंगे, एक बार उनके सामने बात रख के देखिए, उनको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखेगा वो खुद सपोर्ट करेंगे। मेरी फैमिली भी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाई थी कि मॉडलिंग इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडियन मेंटेलिटी है ये एक। लेकिन जब मैंने मिस महाराष्ट्र का खिताब में फर्स्ट रनर अप का टाइटल जीता, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हमारी बेटी कुछ अच्छा कर रही है। तो उन्होंने फिर मुझे इंडिया लेवल का कॉम्पिटिशन करने की इजाज़त दी, और मैंने उनके उनका जो विश्वास था उसको बरकरार रखते हुए उनका भी नाम आगे लेके आई। तो आगे चलते हुए वो भी मुझे और आगे जाने की इच्छा रखेंगे, और हर एक लड़की ने ये कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, अगर एक बार आप शुरुआत करते हो तो आप खुद रुकने की इच्छा नहीं रखोगे। आगे आपकी करियर को लेकर और क्या प्लानिंग है? करियर को ऑब्वियसली मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगी, जिसमें लड़कियों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनको मॉडलिंग में आगे जाने का कॉन्फिडेंस आएगा। उनके पेरेंट्स लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो लड़कियों को पीछे खींचना चाहते हैं? उनके हिसाब से मॉडलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सब कुछ होता जरूर अच्छा है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स के हिसाब से उनके नज़रों में अच्छी नहीं है। और मॉडलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी दो राह इंडस्ट्री है कि उसमें दो राहें हैं, लड़कियों ने भी ये चीज़ जान लेना चाहिए कि उनको किस राह पे चलना है। अपने टैलेंट और अपने हुनर के बेस पे अगर वो आगे बढ़ेगी तो वो ज़रूर अच्छी ही राह पे जाएगी, बट किसी गलत चीज़ का सहारा ना लेते हुए वो अगर आगे बढ़ेगी तो ज़रूर आगे जाएगी। पेरेंट्स लोगों ने अगर उनको फुल सपोर्ट किया तो लड़कियाँ उनसे कोई चीज़ छुपाएंगी ही नहीं, और पेरेंट्स से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। अगर कोई लड़की अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं यहाँ शो करने जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स उस बात को जांचेंगे कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए अच्छी ही चीज़ चुनेंगे। तो लड़कियाँ भी अपने व्यूज़ अपने पेरेंट्स के सामने खुल के रखें, और पेरेंट्स भी उनको खुल के सपोर्ट करें, तो हर चीज़ सही राह पे जाएगी। और श्यामल, इसमें कुछ एजुकेशन का वगैरह कुछ है? एजुकेशनल इसमें नेसेसरी नहीं है, इसमें आपका पर्सनालिटी है जो इम्पोर्टेंट होता है, आपका कॉन्फिडेंस है जो इम्पोर्टेंट होता है, आपका टैलेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें आप क्या पढ़ सकते हो, इवन लैंग्वेज बैरियर्स भी नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश ही आती हो, लोगों को लगता है हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम मीडिया कैसे फेस करेंगे, हम कैसे आगे जाएंगे। लेकिन इंग्लिश इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस मॉडलिंग इंडस्ट्री। तुमको हिंदी आती है, हम भारत में रहते हैं तो हिंदी आना बहुत ज़रूरी है, और इसमें कोई भी एजुकेशन बैरियर्स नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा नाम तो वेंकटेश शंकर गुम्बलवार है, जो कि मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ।
जैसे कि मैंने यहाँ विनर बन के आया हूँ, डीसी ब्रांड एम्बेसडर भी बना हूँ साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टीम डीसी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे 1 ईयर के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना। जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, मिस्टर सूफी साबरी सर जो कि बहुत हार्ड वर्कर है और एक फैशन डिज़ाइनर है, जिन्होंने हमें अच्छा सपोर्ट किया, हमें ही नहीं बस पूरे कंटेस्टेंट को अच्छा सपोर्ट किया, जैसे रहने से लेकर के शो से लेकर के सब चीज़ों के लिए सपोर्ट किया। तो सबसे पहले उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं जब मैं शो के लिए पहुँचा वहाँ पे तो मैंने ऑल कंटेस्टेंट देखे, जैसे 25 बॉयज़ थे 25 गर्ल्स थी, तो मैंने सोचा कि इतने सारे, सबसे पहले मैं थोड़ा डर चुका था कि इतने सारे कंटेस्टेंट हैं उसमें मेरा क्या। जब मैंने टैलेंट्स राउंड देखा, लोगों के टैलेंट राउंड में बहुत अच्छा था, मैंने भी और अच्छा कोशिश किया। देखिए सब लोग यहाँ कॉम्पिटिशन्स के लिए आए थे, मैं भी कॉम्पिटिशन्स के लिए गया था, बट एक जगह मेरे मन में कहीं ना कहीं 1% डर भी था कि क्या होऊंगा, और 99% मैंने कॉन्फिडेंस रखा कि गो फॉर इट। तो मैंने बस उसी वे में जैसे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेकर के मैंने आगे बढ़ता चला गया और टैलेंट राउंड में मैंने अच्छा किया, परफॉर्म किया, एक्ट परफॉर्म किया आर्मी बेस को लेकर के। उसके बाद मैंने ग्रूमिंग सेशन में वॉक किया और साथ साथ फिर मैंने शोज़ में क्वेश्चन आंसर राउंड्स थे जिसको मैंने अच्छा सा आंसर दिया, और साथ साथ मैंने उनको इंट्रोडक्शन वगैरह जो होते हैं, जैसा कि सभी को पता है शोज़ में वो तो इंट्रोडक्शन पहले लिया जाता है फिर बाद में क्वेश्चन आंसर लिया जाता है, तो मैंने उन सब चीज़ों के अच्छे से आंसर्स और ये रिप्लाई दिए। तो उसके बदौलत और साथ साथ मेरे नॉलेज जो मैंने बिल्डअप की थी अपने इसमें लास्ट 6 मंथ से और 7 मंथ से, मैंने अपने बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर के अपने नॉलेज से लेकर मेंटली प्रिपेयर हुआ था इस शो को लेकर के, सो मुझे उसका फल मिला है। सेम क्वेश्चन आपसे भी कहूँगी कि आजकल की न्यू जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए। जैसा कि न्यू जनरेशन से लोग सोचते हैं कि इसमें पॉलिटिकल्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए और पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप आओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इस इंडस्ट्रीज मतलब मॉडलिंग इंडस्ट्री से आपको कितना बेनिफिट्स है। लोग सोचते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, नहीं तो आप लोग अपने पर वर्क करोगे तो तभी तो आपको फल मिलेगा। हर चीज़ के पीछे ऐसा ही है, आपको कोई मतलब लाके खिलाने वाला नहीं इंसान है, आपको अपना हार्ड वर्क करना है और आप तभी आगे बढ़ पाओगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, बैठे बिठाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।